नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको ये जैसे आपको मालूम है कि थोड़े दिन अभी 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी अगुवाई में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाल किले में हुआ, जिसमें हमने नेताजी की जो आजाद हिंद गवर्नमेंट जो बनाई गई थी उसकी 75वीं सालगिरह को उसको हम लोगों ने बहुत जोर से पहली बार इस तरीके से, पहले ही मनाया गया था लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाया गया। और उसको देख के आप लोगों ने देखा कि मीडिया में लेकर के और सोशल मीडिया में कितना उसको लेकर चर्चा है। उसमें एक एस्पेक्ट है जिसको मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता था, इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूं कि बहुत से मीडिया में हाउसेस में, स्पेशली आपके जो बंगाल में कुछ मीडिया के पेपर है जो कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये थ्योरी फ्लोट करनी शुरू कर दी कि साहब मोदी जी ये जो करा लाल किले का, जो सुभाष बोस को याद किया उनके बारे में कई बातें बोली, वो कोई बंगाल के इलेक्शंस के चक्कर में किया गया है। ये पता नहीं कहां कहां से ये लोग थ्योरियां निकाल के ले आते हैं। भैया कम से कम थोड़ी सी गूगल सर्च तो कर लो पहले से, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डींगे मतलब उल्टी सीधी बातें बोलते हो। मैं आपको बताता हूं कि पूरा मुद्दा है क्या। आप पॉलिटिक्स को छोड़िए, जो आदमी नेता है वो तो पॉलिटिक्स ही करेगा, पॉलिटिक्स को गलत चीज नहीं होती, ना पॉलिटिक्स गलत चीज ना बिजनेस गलत चीज है। आप गलत काम है, अच्छा काम अच्छा काम है, वो चाहे पॉलिटिक्स में करें या बिजनेस में करें या अपने घर में करें। मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं कि आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा कि पूरा इशू बेसिकली है क्या, नरेंद्र मोदी जी का क्या, सुभाष बोस में क्या, क्यों काम कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग। आपको मालूम है कि मैं 2001 से इस इशू को मैं लेके लगा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स में था तब से मेरी ये इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी। लोग कहते हैं बीजेपी का आदमी है, भैया मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता हूं, मुझे बीजेपी का आदमी बता रहे हो, बीजेपी का अखबार है क्या हिंदुस्तान टाइम्स। तो वहां पे जब मैं इंक्वायरी कर रहा था बात वो हो गई, लेकिन 2003-4-5 के बाद की बात है, मैं एक गुजरात के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी मुझे मिले, AR बैनर्जी, आई थिंक इज नो मोर, मिस्टर बैनर्जी से मेरी बात हुई थी। चीफ सेक्रेटरी बंगाली थे, तो आपको पता है कि बंगाली जो होते हैं नेताजी में तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, तो ये मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड वाली पार्टी थी। तो बैनर्जी ने मुझे जी ने बताया मुझे कि चीफ सेक्रेटरी का आप मतलब जानते हो, केशु भाई पटेल के जमाने में वो चीफ सेक्रेटरी थे, और उन्होंने बताया कि ऑफकोर्स एज चीफ सेक्रेटरी ही वॉज अवेयर ऑफ मोदी, ही हैड मेट हिम, तो ही टोल्ड मी टू थिंग्स। ही सेड लोग उस जमाने में मोदी जी कम से कम हमारे यहां दिल्ली विल्ली में बहुत ज्यादा सब उनको जानते थे, वो तो ऑब्वियसली पिछले 15-20 साल सब उनको जानते हैं, लेकिन जितनी चर्चा बाद में शुरू हुई है उस टाइम पर नहीं थी, कम से कम प्रधानमंत्री बनेंगे ये चर्चा तो कहीं थी नहीं उनके बारे में। तो उस जमाने में ये उन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी जो हैं, ये मिस्टर बैनर्जी जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी को स्वामी विवेकानंद में और सुभाष बोस में बहुत इंटरेस्ट है, और उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए मुझे कि उन्होंने कुछ काम वहां पर किए भी उसको लेकर के। तो ये पहली बार मेरे दिमाग में वहां पर ये बात आई कि मोदी जी वहां पर हैं और उनको इसमें इंटरेस्ट है। 2012 में जब मैंने अपनी किताब इंडियाज बिगेस्ट कवरअप लिखी और उसका लॉन्च करने के लिए हम कलकत्ता में था, और नेताजी की फैमिली से मेरी बातचीत हुई, तो हम लोग सारे फैमिली के लोग और हम लोग जो हैं इकट्ठे हुए, जो फैमिली के लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते वो लोग, बाकी कांग्रेसियों को कोई मतलब नहीं इसके से, हम लोग इकट्ठे हुए, हम लोगों ने कहा कि क्या किया जाए, कैसे इस बात को आगे लेके जाए। तो वहां हमने इस बात को मैंने नेताजी की फैमिली के सामने रखा कि ये जो ऐसा कोई भी पोलिटिकल लीडर जो कांग्रेस पार्टी से को एग्जिस्ट नहीं कर सकता वही इस केस को हाथ लगाएगा, ऐसा कोई भी लीडर जो कांग्रेस पार्टी के साथ उसका उठना बैठना है वो चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना, ऐसे लोग बीजेपी के अंदर बहुत बैठे हुए, मैंने वो इस केस को नहीं हाथ लगाएगा। तो सारी कहानी घूम फिर के साहब इसमें एक ही आदमी है जो फिट आता है इस कैटेगरी में, वो है नरेंद्र मोदी, गुजरात के CM। रिजर्वेशन था उनकी फैमिली में, कई लोग थे जो CPM के उसकी विचारधारा से वो के उसके आधार पर बोल रहे थे, खैर ऑल सडन डन। तो चंद्र कुमार बोस जो नेताजी की फैमिली के, जो उनके आज सबसे बड़े जो हमारे इस पूरे मूवमेंट में के जो बिल्कुल फेस बन गए, तो चंद्रा दादा ने ही उसको फिर लीड लेकर के जब हमने बात की उनको फैमिली को बोला कि आप मोदी जी पर जाओ वो कुछ करेंगे, बिकॉज हमें इनपुट मिले कि ये इनमें इनको सुभाष बोस में इंटरेस्ट है। उस जमाने मोदी जी जो थे आपके ऑफकोर्स गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो 2013 के आसपास पहली बार जब मोदी जी कलकत्ता में किसी टूर के लिए आए थे, तो चंद्रा जो बोस हैं वो उनसे मिले फैमिली के बिहाफ पे, उनको एक लेटर दिया गया, और लेटर हम लोगों ने ही ड्राफ्ट किया था बिकॉज हमको केस के बारे में पता है, और हमने उसको लेटर में उनको अप्रोच करके बोला कि आप जो हैं आप देश के बड़े मतलब नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, और ये नेशनल इशू है, इसमें कोई गुजरात बंगाल की बात नहीं है, नेताजी के बारे में जो मर्जी बोलना चाहे बोले, पूरा हर एक हिंदुस्तानी का अधिकार को बोलना चाहिए। तो उनको पहली बार चंद्र कुमार बोस ने 2013 में अप्रोच किया, आप गूगल सर्च करेंगे आपको स्टोरीज मिल जाएंगी BBC के अंदर,
तो पहली बात ये कि बाकी बातों को आप छोड़ें, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बंगाल में आए और नेताजी की फैमिली जो कोशिश कर रही थी ममता दीदी से मिलने के लिए लेकिन मिल नहीं पा रही थी, ये आदमी उनको 40-45 मिनट का टाइम देता है और बोलता है मैं आपका मदद करूंगा। तो आप उस टाइम आपको नजर नहीं आया कि पॉलिटिक्स चल रही है? वो कौन से इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे बंगाल में 2013 के अंदर? उस टाइम तो उनका नाम भी नहीं था कि प्रधानमंत्री बनने में उनका नाम है, लोग तो उनको चाहते नहीं थे। तो ये बात 2013 से चलती आ रही है कि 13 से ही पहला कॉन्ट्रैक्ट चंद्रा कुमार बोस का, नेताजी की फैमिली का, हम लोगों का, सबका उनसे हो चुका था। मेरी भी किताब 2012 में जो किताब छपी उसकी कॉपीज 2-3 उनको, मोदी जी को, मेरे दोस्तों ने पहुंचा दिए 2012 के बाद से, उनको इंटरेस्ट है इस इशू को लेकर के। तो ये जो लोग भी ये कहानियां गढ़ रहे हैं कि साहब उनको कोई पॉलिटिकल कोई इलेक्शन, लास्ट टाइम इन्होंने बोल दिया कि इलेक्शन, अरे भैया इलेक्शन छोड़िए, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो लगातार इस बात को इंटरेस्ट लेते आए। तो ये 2012 में शुरू से 13 में स्टार्ट हुआ जो हमारा उनसे डायरेक्ट लिंक था। चंद्रा बोस उनसे मिले, उनको बताया गया और मैंने कहा 40-45 मिनट बहुत बड़ी बात है। उस जमाने के अंदर भी वो पूरे जबरदस्त स्टार थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो हरे किसी हरे घर को देते थे 5-4 मिनट से ऊपर। तो उनको इतना लंबा टाइम दिया, इज्जत दी, उन्होंने कहा मैं कुछ करूंगा। और उसके बाद में जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, कार्यालय में आए थे, तो मुझे ये इनपुट मिला। आगे क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये कि मुझे इतना पता है कि डे वन से वो आदमी इंटरेस्टेड था उसको करने के लिए। तो ये और थोड़ा सा ये भी था कि बंगाल गवर्नमेंट ने जो फाइलें निकाली है अपनी 64 फाइल इंटेलिजेंस की, जो हम उनसे डिमांड कर रहे थे, जो हमको नहीं दे रहे थे पहले, वो ये भी निकालने में एक फैक्टर ये भी था कि सारे शहर में अफवाह फैली हुई थी कि मोदी जी फाइल निकालने वाले हैं। तो एनी हाउ, तो मैं वो जो मेन रीजन जिसके लिए ये मैं हल्का सा आप लोगों तक संवाद कर रहा हूं, वो ये है कि मोदी जी का इसमें इंटरेस्ट पुराना है। तो उन्होंने कुछ काम गुजरात का मुख्यमंत्री होते भी सुभाष बोस के बारे में किए थे। तो ऐसा नहीं कि उनको कभी कोई पीएम बनने के बाद और बंगाल के इलेक्शन को लेकर कोई उनको कोई प्यार जाग गया, नहीं जी, पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप गूगल आपको मिला हुआ है, आप गूगल सर्च कीजिए, आपको फोटो से मिल जाएंगी। और इतना सिनिकल होने की जरूरत नहीं है, लोगों में इंटरेस्ट है। मैं तो ये भी कहता हूं कि इवन कांग्रेस के लोगों में सुभाष बोस का इंटरेस्ट है। कोई वो लोग कोई गद्दार थे ना बैठे हैं पूरे पार्टी में लोग, तो इसलिए उसको उस तरीके से ना देखें। और पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, इलेक्शन भी होते रहते हैं, लेकिन एक पूरा बैकग्राउंड है कि 2000 डायरेक्टली 13 के बाद से मोदी जी ने से इसमें इंटरेस्ट दिखाया, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक 3-4 स्टेप लिए हैं जो पहले की गवर्नमेंट के मुकाबले में काफी अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी बात घटना घटी है। अभी हम लोग वहां गए थे सब लोग, रेड फोर्ट में उनका प्रोग्राम देखा, आगे भी होने वाला है। अब वो आपका जो INA का जो म्यूजियम है वो लॉन्च होगा 23 जनवरी को। 30 दिसंबर को अंडमान निकोबार जाएंगे। पहले लोगों ने बहुत उसको लेके बहुत हल्ला मचाया था, लोगों ने जब बात की थी 50 के दशक में और बाद में कि अंडमान निकोबार में उनका नाम चेंज करना चाहिए इन द्वीपों को, कि सुभाष बोस ने उनका नाम चेंज किया था, सही शहीद तो स्वराज रखा था। उन लोगों ने बहुत कुछ, वहां का MP था कांग्रेस का, वो बहुत उल्टी सीधी बातें बोलता था कि साहब वो तो जापानी वहां पर आए थे, जापानी ने लोगों को मारता। अरे भैया कहा कि तुम अंग्रेजों के जमाने की खबरें लेके आ रहे हो, जो अंग्रेज आपको बोल गया उसी को आप समझते सच्चा हो। आप आइए दिसंबर में, आप लगाइए खबर, हम उसका जवाब देंगे कि जापानी ने क्या मारा था। दूसरों पर छींटे मारने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, तो वो हम आप बताएंगे आपको कि क्या क्या वहां पर। तो मतलब मोदी जी यहां अलग अलग काम करने वाले हैं। तो आज इन्होंने करा, आपका 30 दिसंबर में आपका वो अंडमान निकोबार में जाएंगे, वहां झंडा फहराएंगे, नेताजी को याद करेंगे, और उसके बाद में 23 जनवरी को दिल्ली में आपके उनका जो उन्होंने म्यूजियम जो उन्होंने रेड फोर्ट में जिसकी आधारशिला रखी है उसको प्रॉपरली इनॉग्रेट किया जाएगा। तो दिमाग से ये चीज निकालते हैं, उनका एक कंसिस्टेंट इंटरेस्ट है उस पूरे केस में जो चलता है बहुत पहले से, क्योंकि उस आदमी को पर्सनल लेवल पे इसमें इंटरेस्ट है। आगे हम लोग यही भगवान से दुआ कर सकते हैं, ऊपर वाले से यही बोल सकते हैं कि अब जो हम उनसे चाह रहे हैं वो सब करें। और इसमें मैं तो शुरुआत से ही कहता हूं कि इसमें सबका भला है, देश का भला है। और जहां रही बात आपकी पॉलिटिक्स की, ये पूरा प्रकरण जो सुभाष बोस का है उसको मैं खुलकर के बोलता हूं कि ये देश हित में है और भाजपा के हित में, और इसको उठाएंगे तो देश का भला होगा, इन लोग का भी भला होगा। और पॉलिटिक्स मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रह चुका, मेरे लिए पॉलिटिक्स या बिजनेस कोई खराब एक्टिविटी नहीं है, ये सब देश को आगे ले जाने की एक्टिविटीज होती हैं। हाँ, गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई मिसयूज ना करे, गलत ना काम करे। और जो लोग जितने लोग वहां पे आपके खासकर जो बंगाल में बोल रहे हैं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको भी पहले अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि तुम लोग 50 साल से तुम लोग क्या कर रहे थे। आप तो सुभाष बोस का नाम लिए नहीं, आप लोग तो बैठ के वो कम्युनिस्टों को वोट दिया जो बैठ के सुभाष बोस को गालियां दिया था कि कुत्ता है, बिल्ली है, तोजो का डॉग है एंड ऑल दैट, तब आपको नजर नहीं आया कि ये बोलना चाहिए? आप लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया वहां पे, आपको नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे? तो आपने एक तो बंगाल में सुपड़ा साफ कर दिया सुभाष चंद्र बोस का, आपके ज्यादातर लोग जो है वहां पे गांधी के और नेहरू के और मार्क्स के भक्त हैं आप लोग।
तो दूसरों पे आप उंगलियां उठा रहे हैं कि मोदी पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहा है, और वो मीडिया जो कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर है बंगाल में, वो मीडिया इस बात को बोल रहा है सुबह शाम उठ करके। तो भैया आप लोग चाहते हैं बंगाल के लोग राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, आपको मुबारक। हमें क्यों आप ये क्यों उस बेचारे आदमी का नाम बदनाम कर रहे हो कि वो जो है कि वो पॉलिटिकल कारणों से ही नेताजी का नाम दे रहा है? उसको नेताजी में इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट ना हो, आपको अगर लगता हो कि ये नेहरू गांधी की भक्ति की जाए और कार्ल मार्क्स का लाल सलाम किया जाए, आप सारी दुनिया वैसी हो जाएगी क्या? ऐसे नहीं है ना, आप लोग का होगा, आप लोग करें, आप लोग भगवान मालिक है आप लोग का। दूसरों पे क्यों आप इस तरह की बातें बोल रहे हो कि पॉलिटिकल कारणों से कर रहे हैं? आप लोग तो चुप बैठे रहे, आप लोग तो कुछ बोले नहीं। तो उसमें जब बात खुलेगी बहुत दूर तक जाएगी, तो बहुत सी इस केस को लेके भ्रांति है। तो इस तरह का ना गंद ना फैलाएं कि मैं देख रहा हूं किस तरह की बातें ये बंगाल की मीडिया में करे जा रहे हैं कि भैया पॉलिटिकल कारणों से मोदी कर रहा है, इलेक्शन नहीं कर रहा है। अरे यार गुजरात में था तभी तो कर रहा था, वहां कौन से इलेक्शन थे बंगाल के? अब कम से कम गूगल सर्च तो करो पहले बोलने से पहले। इतनी बड़ी बड़ी आपने किसी आदमी अच्छा काम कर रहा है उस पर आप लांछन लगा रहे हो बेमतलब के। तो ये था, और अपना गिरेबान में झांक के देखो तो आप लोगों ने क्या किया था। जब उन्होंने निकल के जब उन लोगों ने उनको उल्टा सीधा बोला है नेताजी को कि वो तोजो कुत्ता है, ये है फ्लान ठमकाना, वो कांग्रेस के वो लोग जो सुभाष बोस के दुश्मन थे, आप लोगों ने उनको वोट दिया, तब आपको नजर नहीं आया सुभाष बोस आपका था? तो ये इस तरह का लेके इसलिए मुझे हल्का सा गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है, मैं चार दिन से नोट करे जा रहा हूं, इस तरह की बातें आ रही है इंटरनेट के ऊपर हर जगह पे। तो थोड़ा सा उसका एक अच्छा ओवरऑल व्यू लें उस पूरे इशू का, उसको देखें, और मेरे को उम्मीद करें कि आने वाला टाइम अच्छा हो, क्योंकि जितना नेताजी को लेकर के जितना हमारा अब हमारा जो अवेयरनेस हुई है, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू मेनस्ट्रीम मीडिया, सब लोगों ने बहुत इसमें इंटरेस्ट दिखाया। जितना हम लोगों ने आप सब हमने मिलकर के कुछ पिछले समय में 2014-15 के बाद, स्पेशली जब से वो इंडिया टुडे में जो स्टोरी हमने स्नूपिंग वाली जो एक्सपोज की थी, उस जितना इंटरेस्ट पब्लिक को अब आया इस केस में पहले कभी नहीं था। तो अब इतने साल 70-71 साल से लोगों ने इतनी मेहनत की थी, HV कामत से हमने शुरुआत करके हम आगे चलते चलते गए, सुरेश बोस हो गए आपके, समर गुहा, बहुत लोगों ने हमारे अपने टाइम में अपने सुनील कृष्ण गुप्ता चले गए, बहुत से लोग लीला रॉय, नाम नहीं सुनानी होगा अपने, कैसे कैसे लोगों ने कितनी मेहनत की, बहुत से लोग बंगाल के लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी इस केस को लेकर, इस इशू को जिंदा रखा, जो पूरा नेताजी का कि उनका लाइफ एंड टाइम्स, उनकी उनको जो लेगेसी उनको बुला दिया गया और उनके मरने का मुद्दा वो सब। तो अब जाकर के माहौल बहुत अच्छा बना है, पहली बार देश में इतना अच्छा माहौल बना है जो इस स्टेज पर आया है, और हमको हम यही उम्मीद कर सकते हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के होते होते, क्योंकि ये गवर्नमेंट सबसे पॉजिटिव गवर्नमेंट है पिछले 70 सालों में इस केस को लेकर के, हमें इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला जो इतना पॉजिटिव था इस केस को लेकर के। उम्मीद थी कि अटल बिहारी वाजपेयी करेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को तो डायरेक्ट लिंक था, वो तो समर गुहा के दोस्त थे, उनका तो बहुत योगदान भी है, उन्हीं की वजह से पार्लियामेंट में नेताजी की फोटो लगी। ये कांग्रेसी जो आज जो बोल रहे हैं, नेताजी की तो फोटो लगाने को राजी नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर, बंगाल के लोगों ने बोला ही कुछ नहीं। कितने एमपी ने सवाल उठाया, बंगाल के कितने एमपी ने बोला कि नेताजी की फोटो लगनी चाहिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर? वो समर गुहा बेचारा अकेला था, वो उसने बोला, उसने लगाई लॉबी। तो आप जो आज इतनी बातें कर रहे हैं कि ये है ऐसे है पॉलिटिकल कारणों से हो रहा है, तो भैया थोड़ा सा गूगल सर्च करो, मेरी किताब पढ़ लो, बहुत कुछ है डेटा, तो उसके बाद इस तरह की बातें करो। तो ये मेरा आपको हल्का सा, मेरे को लगा कि आज का जरा माहौल है उस हिसाब से थोड़ा सा आपको एक ये बैकग्राउंड दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेट, थैंक यू वेरी मच।